खंडवा बड़ौदा नेशनल हाईवे पर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। खरगोन से जुलवानिया के बीच सहगांव नगर के प्रमुख स्थान पर सड़क कई स्थानों से क्षतिग्रस्त होकर रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों और रोड के खराब होने से जहां राहगीर परेशान है तो वहीं आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। नेशनल हाईवे 26 रोड की जर्जर हालत से परेशान नगर सहगांव के ग्रामीणों के द्वारा लामबंद होकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार मुकेश मचार को जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के नाम व चौकी प्रभारी भोजराज परमार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में लिखा गया कि खरगोन जुलवानिया रोड की जर्जर मार्ग को संबंधित विभाग एवं ठेकेदार द्वारा रिपेयर नहीं किया जाता है तो 15 दिन के बाद तहसील कार्यालय के सामने चक्का जाम किया जाएगा और ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी जवाबदारी शासन की होगी। इस ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अगर रोड की मरम्मत व साइड पट्टी संबंधित समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो चक्का जाम जैसे कदम उठाए जाएंगे। इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। ज्ञात हो कि इस संबंध में नगर के पत्रकारों द्वारा कई बार अपने संचार और समाचार पत्र चैनल के माध्यम से अवगत भी कराया गया लेकिन प्रशासन व शासन दोनों ही जनता को अपने हाल पर छोड़कर आंख बंद कर निकल जाते हैं। फुली सस्पेंशन से लैस गाड़ियों में सफर करने वाले जिम्मेदार जनता की परेशानियों को क्या समझेंगे। इन परिस्थितियों में अपने नगर और क्षेत्र के लिए कठोर निर्णय लेते हुए नगर सहगांव के पूर्व सरपंच दिनेश मिश्रा, राजेंद्र मंडलोई, राकेश पटेल, दिलीप राठौर के द्वारा बताया गया कि विभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय सांसद विधायक को जर्जर रोड संबंधी जानकारी कई बार दी जा चुकी है लेकिन नतीजा नहीं निकला। तहसील कार्यालय और पुलिस विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, किस बात के लिए दिया गया? MPRDC की जो सड़क है खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे जो पहले नेशनल हाईवे थी, खरगोन से लेकर जिलवाना तक रोड पूरी जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। खास तौर से सेगांव में तो जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। कई बार विभाग को अवगत कराया गया, मीडिया में भी कई खबरें लगी लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए सेगांव जनों ने अब आंदोलन के रूप अख्तियार कर लिया। पहले तहसीलदार और पुलिस चौकी प्रभारी को आवेदन देकर 10 दिन में रोड सुधारने की अपील की गई, अगर वो नहीं होगा तो पूरे नागरिक उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और रोड नहीं सुधारी गई तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है क्या? बिल्कुल हो गया, अगर रोड को नहीं सुधार गया, बार बार निवेदन करने के बाद भी उस गड्ढों पे लोग गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आंदोलन और चक्का जाम के सिवाय कोई विकल्प नहीं बच रहा क्योंकि उसी रोड से कलेक्टर, SP, विधायक, जनप्रतिनिधि आए दिन गुजरते हैं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब मुखदर्शक बने हुए हैं। इस मामले में संबंधित विभाग से आपकी चर्चा हुई थी? संबंधित विभाग के अधिकारी टालम टोल करते हैं, कोई ठोस जवाब नहीं देते, वो अपना ठीकरा कई पंचायत के ऊपर मनते हैं कि ड्रेनेज का पानी आ रहा है, लेकिन हम नागरिकों को तो साफ सुथरी रोड चाहिए ना साहब, वो किसी की भी समस्या दूर करना चाहिए, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से समस्या का हल थोड़ी होगा। क्या नाम लिखते? अशोक गुप्ता। सहगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।